गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर पंकज तीतर। डिप्रेशन के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है अभी कोविड हो गया, कोविड के बीच में सबके फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो गए। कुछ लोग के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड था, कुछ लोग के पास काम ही नहीं था, और इसके बीच में बहुत सारे मेंटल प्रेशर्स, मेंटल स्ट्रेस, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है लोगों को। खुद ही में मुझे लगता है कि द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस इज इटसेल्फ अ पैंडेमिक इन इट्स ओन टर्म्स, यानी कि ये स्ट्रेस का भी एक पैंडेमिक ही था एक एक, एक नज़र से देखा जाए तो। और अभी हाल ही में जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है, ऐसा सामने आ रहा है कि बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, या फिर बहुत लोग दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सब लोग काम करते हैं, सब लोग को एम्बिशन है, सब लोग को प्रेशर है, सब लोग को खरा उतरना है उम्मीदों पर, अपने बॉस के, अपने वाइफ के, अपने फादर के और अपने परिवार के। ये कुछ मायनों में अलग सा एक प्रेशर डाल देती है। अचानक से ऐसा कुछ होने लगता है कि कुछ भी पसंद नहीं आता है, अंदर से थका हुआ महसूस होता है, बॉडी पेन होते हुए रहती है, एंड वन लूजेस द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस जॉय। और फिर ऐसा मूड ऑफ रहता है, कोई एनर्जी नहीं रहते, और ये अंत में जाके हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। और जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे काम पे असर होता है इस चीज़ का, और काम पे ही क्यों, हमारे घर पे भी असर होता है। हमारा टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है, हम इजीली चिढ़ने लगते हैं, फिर हम हमारी वाइफ पे या फिर पेरेंट्स पे या फिर दोस्तों पे उखड़े उखड़े से रहते हैं, और लोग अंदर झांक नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग बाद में झांक लेते हैं एंड देन अंदर से एक आवाज़ आती है कि यस, देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो मेरे पीछे एक बुक दिख रही है आपको, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक। ये बुक लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने। विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप्स में एक बंदी थे, वो जू थे, और उनके सामने जितने भी लोगों को टॉर्चर किया गया या फिर जो भी यातना है उन पे हुई, उनके परिवार पे हुई, उनके ऊपर उस चीज़ में से उन्होंने एक चीज़ सीखी कि वन कैन डील विद इट एंड वन कैन बाउंस बैक। और उनके एक्सपीरियंसेस जो भी वो शेयर करते हैं, जो भी वो चीज़ को पर्सपेक्टिव में लाते हैं, वो पढ़ने के बाद लोगों को हेल्प हुई है, लोग अपने माइंड को वापस कैलिब्रेट कर पाए एंड दे हैव चेंज देमसेल्फ। क्रक्स बोलूँ तो इस बुक का ये है कि ये बुक सिखाती है कि आपको हर चीज़ को मीनिंग देने आना चाहिए। इस बुक का सार यही है कि हमारे साथ जो हो रहा है और हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को मीनिंग दे पा रहे हैं या नहीं। अगर हम उस चीज़ को मीनिंग नहीं दे पा रहे, द मोमेंट वी आर नॉट एबल टू गिव मीनिंग टू द एक्सपीरियंसेस इन लाइफ दैट वी आर गेटिंग और द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन लाइफ, दैट टाइम वी लैंड अप विद सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।